नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सबसे पहले 8 खबरों पर नजर, जो कल की सुर्खियां भी होंगी। एसपीजी किलेबंदी को और मजबूत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द मंत्री भी मिलेंगे तो एसपीजी की इजाजत पहले लेनी पड़ेगी, जान का खतरा बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, बैंक धोखाधड़ी का पोस्टर बॉय विजय माल्या है क्या? 2 बरस पहले का पत्र जारी किया गया, ये रिपोर्ट हम आपको दिखलाएंगे। पोस्टर बॉय का जिक्र क्यों हो रहा है? योगी पर हमला है, सीधे पहुंचे हैं अयोध्या और इस बात का जिक्र किया है कि आप साधु संतों को ना समझाएं, मंदिर तो हम बना कर रहेंगे। प्रवीण तोगड़िया है। चौथी तस्वीर, लालू को टेलीफोन लगाया, हालचाल पूछा नीतीश कुमार ने। संकेत है या सियासत है, कोशिश की जा रही है समझने की, डिकोड कोई नहीं कर पा रहा, दिल्ली भी नहीं। बैंक घोटालों पर राजनीति कह रही, राज ठाकरे कहते हैं कि अगर बैंक घोटाले को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है तो कोऑपरेटिव बैंक के उस वक्त के डायरेक्टर जो अहमदाबाद के हैं उन्हें क्यों नहीं किया जा सकता, मतलब निशाना बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर। हांगकांग सबसे महंगा शहर है और देश में सबसे महंगा मुंबई है, यह सर्वे में निकल कर आया है। महिलाओं के लिए भारत दुनिया में सबसे असुरक्षित देश है, यह भी सर्वे में बात आई है सामने। और आज रात जादू का इंतजार है, मेसी का जादू चलेगा, जादू भी चाहिए और भाग्य भी चाहिए, जिक्र किया जाएगा इसको मास्टर स्ट्रोक के बीच में, इन 8 तस्वीरों के आश्रय। लेकिन मास्टर स्ट्रोक में आज किस बात का जिक्र किया जाए? देश में लोकतंत्र है क्या, बादशाह कहा जा सकता है? जी, मुल्क बादशाह का, यह अंदाज और किसी का नहीं है। चूंकि आज आपातकाल के मौके पर बीजेपी काला दिन भर मनाती रही, हमें लगा कि आपातकाल तो नहीं लेकिन जेपी के संघर्ष के आश्रय उस दौर को याद किया जाए और मौजूदा वक्त को तौला जाए। जेपी जो सोचते थे, क्या मौजूदा वक्त में जेपी के अनुयायी वह करने को तैयार हैं? जेपी का जो विजन था देश को लेकर संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ, क्या वो तैयार है? देश के भीतर तमाम स्थितियों को टटोलेंगे, बताते चलेंगे आज मास्टर स्ट्रोक में। लेकिन शुरुआत धर्मवीर वारती की इस कविता से। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। यह मुनादी है, धर्मवीर भारती की मुनादी। यह कविता नवंबर 1976 में जयप्रकाश नारायण को लेकर तब लिखी गई जब इंदिरा गांधी के दमन के सामने जेपी ने झुकने से इनकार कर दिया। जेपी इंदिरा गांधी के करप्शन और तानाशाही के खिलाफ सड़क से आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और उस दौर के संघर्ष के नायकों में कई नाम ऐसे हैं जो अब भी याद किए जा सकते हैं। मसलन लाल कृष्ण आडवाणी आज अकेले अंधेरे में है, मुरली मनोहर जोशी खामोशी की तरंगों को जीते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में, जॉर्ज फर्नांडिस डिमेंशिया बीमारी तले सब कुछ भूल चुके हैं, और जो उस दौर में यानी जेपी संघर्ष से निकले उस दौर के छात्र आज सत्ता में है, वो आपातकाल की अंधेरी रातों को याद कर रहे हैं, उस दौर के सिरहन को अब भी महसूस करते हैं। इतिहासों को लिखने वालों इस युग का इतिहास न लिखना, इतिहासों को लिखने वालों इस युग का इतिहास न लिखना, वरना आने वाली पीढ़ी ठोकर को मंजिल समझेगी, मरघट को महफिल समझेगी, जीवन को बोझिल समझेगी। तो इन शब्दों के आश्रय जरा लौट चलिए इमरजेंसी के दौर में, जब संघर्ष की लौ तब जिन मुद्दों के आश्रय जयप्रकाश नारायण जगा रहे थे तो उसके बाद होना तो यही चाहिए था, क्योंकि जब सत्ता देश के तब के कर्णधारों को मिली जो एक लिहाज से इमरजेंसी के बाद देश के सामने ड्रीम गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुमत साथ था, कोई संकट नहीं था और सभी संघर्ष करने वाले एक साथ जुटे थे। मुरारजी की कैबिनेट में चरण सिंह, कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हुए जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, हेमवंती नंदन बहुगुणा, मोहन धारिया, बीजू पटनायक से लेकर सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह बादल तक थे। पर 2 सवालों ने 2 बरस में ही मुरारजी सरकार गिरा दी। अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो देश के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, तो आरएसएस और पार्टी की दोहरी सदस्यता ने जनता सरकार के भीतर भूचाल ला दिया।
यानी आज की तारीख में ये कल्पना के परे है कि जिस इमरजेंसी की यादें आज भी सिरहन पैदा करती है, तो उस वक्त 41% वोट के साथ 295 सीटों की जीत के जनादेश को 2 बरस की जनता सरकार जी पाई। जुलाई 1989 को मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो डिप्टी पीएम चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए और चंद महीनों बाद उसी इंदिरा गांधी की सत्ता में फिर से वापसी हो गई, जिन्होंने सत्ता के लिए देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। और शायद इंदिरा का इतना जल्दी और तेजी से दोबारा सत्ता में आना ही उसके बाद के नेताओं के लिए आदर्श बन गया। यानी ये सवाल कभी उठा ही नहीं कि इंदिरा के दौर में जिस मुश्किल हालात से देश गुजर रहा था, उसके उलट इस देश में उसके बाद कोई सत्ता बन क्यों नहीं पाई जो देश का समुचित विकास कर सके। यानी गरीबी हटाओ जुमला भर ना रहे, बल्कि महंगाई, मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी, राजनीतिक कट खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्था संविधान सम्मत होकर काम करते हुए दिखाई दे। उद्योगपति कॉरपोरेट के मुनाफा के लिए सत्ता नियम कायदों को कमजोर ना करे, ये सब कुछ तो इंदिरा गांधी के दौर में था ही और आज भी है। पर हर सत्ता ने इंदिरा की लोकप्रियता और इमरजेंसी खत्म होने के 2.5 बरस के भीतर ही सत्ता में लौट आने के हुनर को ही सीखा, उसी से ही प्रभावित हुए। तो तमाम मुद्दे हाशिए पर भी चले गए, तो ऐसे में फिर से याद कर लीजिए धर्मवीर भारती की मुनादी की चंद और लाइनें। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस, हल्ला गुल्ला, भीड़ भड़क्के का शौक है, बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा, दर्शन करो। लाखों की तादाद में शामिल हो उस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसते हुए चलो, ताकि वह खून जो इस बुड्ढे की वजह से बहा वो पुछ जाए। बादशाह सलामत हो, खून खराबा पसंद नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।